इन तस्वीरों को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि कैसे लोग इस कहर बरपा रही भीषण गर्मी में भी अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए घरों से निकल रहे हैं। चिलचिलाती धूप के साथ मौसम का पारा चढ़ने से दिन भर जनता बेहाल हो रही है। अब इन रिक्शे वालों को ही देखिए, चिलचिलाती धूप में दो वक्त की रोटी के जुगाड़ करने के लिए कैसे सवारियों का इंतजार कर रहे हैं। गर्मी की बहुत दिक्कत होती है सर यहाँ पे। एक सवारी डालने जाते हैं, पसीना आ जाता है, ठंडा पानी पीते हैं, सब सुकून आता है। बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है यहाँ इस समय। खुद को बचाने के लिए और क्या क्या करते हैं गर्मी से? खुद बचाने के लिए कपड़े से मुँह पोंछते रहते हैं हर समय। थक जाते हैं तो अपने छांव में खड़े हो जाते हैं, फिर आराम मिलता है, सुकून मिलता है, तो फिर अपने चलते हैं, सवारी ढोते हैं। इसी तरह सड़क किनारे दुकान लगाकर अपना रोजगार चलाने वाले लोगों को इस भीषण गर्मी में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आइए इनसे खुद जानते हैं। गर्मी काटना मुश्किल पड़ जाता है, दिन भर सुबह से 10 बजे से शाम तक बैठे हुए रहते हैं धूप में। काम धंधा तो है ही नहीं, ऐसे चुपचाप बैठे हुए रहते हैं। दुकानदारी पर कितना असर पड़ा है गर्मी का? बहुत फर्क पड़ा है। भीषण गर्मी में जब युवा भी एसी के बंद कमरों से बाहर आने से हिचकिचाते हैं, ऐसे में ये वृद्ध महिला दो वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए कड़ी धूप में बैठ के फल बेच रही हैं। यही नहीं, गर्म हवाओं के थपेड़ों का कहर तो ऐसा है कि अपने काम पर जाने वाले लोग चिलचिलाती गर्मी में इस तरह से काम कर रहे हैं। जॉब के लिए आया हूँ तो रोजी रोटी के लिए तो इंसान को निकलना ही पड़ेगा, चाहे जो भी जौन सा भी मौसम हो, बंदे को काम के लिए तो निकलना ही है। लेकिन ये है कि साइड बाय साइड जैसे ये रिफ्रेशमेंट हो जाती है बॉडी के लिए। सबसे ज़्यादा गर्मी कोई भी लेडी सबसे ज़्यादा फेस करती है, क्योंकि उसे खाना बनाना पड़ता है चूल्हे के आगे। और जब भी मैं बाहर निकलती हूँ तो सबसे पहले हमेशा पानी की बॉटल साथ में और स्कार्फ वगैरह ध्यान रख के तभी मैं बाहर निकलती हूँ। बाकी गर्मी तो है और हर सीज़न आती है, तो अब लोग उसी तरह से मेंटेन करते हैं अपने आप को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, कि उनकी हेल्थ भी ठीक रहे और बीमार ना पड़े। इतनी तेज़ धूप पड़ रही है, ऑफिस आने में और जाने में बहुत प्रॉब्लम पड़ रही है, स्किन पूरी जल जाती है। जितने भी लोग निकल रहे हैं अभी ऑफिस वाले या जॉब जो भी हैं, उनको पानी का बॉटल जरूर रखना चाहिए, कब कहाँ चक्कर आ जाए, कुछ आ जाए। परेशानी में इतनी गर्मी में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती है। किन किन तरीके का? क्या जैसे बरसात का भी उठना होता है हमारा, और धूप में अगर नहीं कमाएंगे तो खाएंगे नहीं क्या? हालांकि कई संस्थान के लोग फ्री में पानी और शरबत पिलाकर गर्मी में राहगीरों की मदद भी कर रहे हैं, साथ ही कई जगहों पर मटकों में पानी भी रखे गए हैं, जिससे लोग इस भीषण गर्मी में अपनी प्यास बुझा सकें। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।